कि सलमान खान की फिल्म भारत का सेट बाहुबली के सेट से भी बड़ा होगा? क्या भारत बाहुबली का भी ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या भारत बाहुबली से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो पाएगी? हेलो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, जहां पर फिल्म का पहले टीजर रिलीज हुआ, फिर ट्रेलर आया और फिर उसके बाद स्लो मोशन सॉन्ग आया, चाशनी सॉन्ग आया, एथेया सॉन्ग आया, तो तीनों गानों के अलग अलग फील थे, अलग अलग सेट्स थे। और वहीं पर स्लो मोशन सॉन्ग में सर्कस का सेट था, सर्कस के सेट की हमें बहुत सारी झलक देखने को मिली। तो वहीं पर हाल ही में एक मेकिंग का वीडियो रिलीज हुआ है भारत के सर्कस के सेट का, तो आइए उसी के बारे में हम बात करते हैं कि वो कैसे इतना बड़ा है और कैसे उसकी मेकिंग हुई है। तो दोस्तों, जहाँ पर सर्कस की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में राज कपूर जी की फिल्म मेरा नाम जोकर का ख्याल आता है। मेरा नाम जोकर एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई थी, लेकिन वो इतनी बेहतरीन फिल्म बाद में बनी। जब वो पहली बार रिलीज़ हुई थी तो वो 5 घंटे से ऊपर की फिल्म थी और लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया। लोग अगर 3 घंटे की ही फिल्म देख ले वही काफ़ी बड़ी बात थी, और अब आपने फिल्म दिखा दी 5 घंटे से ऊपर की, तो लोगों ने उसे नहीं देखा और सराहा नहीं और फिल्म फ्लॉप हो गई। आपको बता दूं कि राज कपूर जी ने अपने जितने पर्सनल एसेट्स थे वो सब दाव पर लगा दिए थे, सब मॉर्गेज कर दिए थे फिल्म को रिलीज करने में। राज कपूर जी वॉज द रियल शोमैन। उन्होंने उनके अंदर जो आर्ट के लिए एक ऑनेस्टी थी, जो प्यार था, जो प्रेम था, वो पूरी तरीके से उन्होंने दिखा दिया इस फिल्म के ज़रिए कि वो जीते हैं मरते हैं तो सिर्फ आर्ट के लिए, और जिस वजह से उन्होंने अपनी पर्सनल एसेट्स मॉर्गेज कर दी और फिर फिल्म को फिर से रिलीज़ किया गया। फिल्म को जब रिलीज़ किया दूसरी बार तो 3 घंटा 44 मिनट की फिल्म को रिलीज़ किया गया, और फिल्म को सबसे पहले सराहना मिली रशिया से, फिर उसके बाद इंडिया में सराहना मिली। तो इस तरीके से फिल्म हिट हुई थी और आज एक बहुत ही क्लासिक कल्ट फिल्म मानी जाती है। अब अगर आप फिल्म में देखें तो सलमान खान फिल्म में जोकर का रोल तो नहीं, लेकिन एक स्टंटमैन का रोल करते हुए नजर आएंगे। एक दौर है, जैसे कि भारत के बारे में हम जानते हैं कि 70 साल का भारत का दौर नज़र आएगा 1947 से लेकर 2010 तक का, तो ये एक दौर होगा। तो भारत में एक कैरेक्टर का संघर्ष नज़र आएगा, साथ ही में हिंदुस्तान यानी कि भारत का भी संघर्ष, भारत की भी जर्नी नज़र आएगी। तो उसके लिए एक ये हिस्सा होगा सर्कस का। अब इस सर्कस के सेट में को बनाने में बहुत बड़ी टीम लग गई, बहुत बड़ी टीम को बहुत दिमाग चलाना पड़ा कि भाई सेट कैसे होगा, कहाँ से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कैसे सॉल्यूशन लिया जाए, अगर गेट कैसे बनाया जाए, फ्लोरिंग कैसे की जाए, छत कैसे बनाई जाए। और साथ ही में अब दोस्तों, ये जो दौर इसमें दिखाया गया है 1964 का दौर है। अगर मेरा नाम जोकर की बात करें तो उसमें 1970 के करीब का ही दौर दिखाया गया था। तो ये जो दौर था, ये ग्रेट रशियन सर्कस का दौर था, और उस वक्त लोगों के पास जो मेन सोर्स था एंटरटेनमेंट का वो सर्कस ही था। अब आप कहेंगे फिल्में तो लोग देखते थे, लेकिन हर फ्राइडे तो हर कोई फिल्म नहीं देखने जा सकता। तो सर्कस वॉज अ पब्लिक एंड अ लोकल मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट, इसलिए लोग सर्कस जाते थे और क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट अपना करते थे। तो जब ये इस तरीके से एंटरटेनमेंट करते थे तो सर्कस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उस दौर में आपको बता दें कि जो सर्कस का जो लोकेशन था, जिस तरह का उसका पूरा सेट बना रहता था, पूरा टेंट वगैरह रहता था, वो एक तरीके से ट्रेडिशनल भी होता था और साथ ही में रशियन स्टाइल में भी होता था। तो टीम के लिए ये बहुत मुश्किल था कि कैसे इस सेट को 1970 का भी दिखाया जाए, फिर उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ का भी टच दिया जाए और इंडिया का, वो भारत का ट्रेडिशनल टच भी आए। बता दूं सर कि उस वक्त जब ये दौर था 1970 का ग्रेट रशियन सर्कस का, तो इसमें आर्टिस्ट सिर्फ इंडिया के ही नहीं होते थे और कंट्रीज़ के भी होते थे। तो फिल्म के अंदर 120 आर्टिस्ट की डेली रिक्वायरमेंट होती थी, और जहाँ पर 120 आर्टिस्ट, तो आप सोच सकते हैं कि सभी के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम्स, फिर कितनी मेहनत, कितनी बड़ी टीम, आर्टिस्ट ही इतने, फिर उसके बाद जो पीछे काम कर रहे हैं, जो कैमरा की साइड है, जो सेट पर काम कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी टीम होगी। कोई आ रहा है, कोई डिज़ाइनिंग कर रहा है, कोई स्केचिंग कर रहा है। अब दोस्तों, ये कितना बड़ा सेट आप सोच सकते हैं सर्कस का बना होगा फिल्म भारत में। अब दोस्तों, बड़े सेट की जब हम भव्य सेट की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वो है बाहुबली।
बाहुबली का सेट जो कि 100 एकड़ का सेट था आज भी जिंदा है, यानी कि उस सेट को आज भी एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है रामोजी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जो कि 2000 एकड़ की ज़मीन है जो कि इंडस्ट्री है उसके अंदर 100 एकड़ बाहुबली का सेट है और वो टूरिस्ट प्लेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी टिकट्स भी हैं। अगर आप चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, तो बच्चे की टिकट है 1250 और एक एडल्ट की टिकट है 2349, तो देख सकते हैं। और लोग जाते हैं, मतलब जो फिल्म स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर जो घूमने के लिए आए हैं और जिन्हें फिल्मों का एक्साइटमेंट है वो लोग देखने के लिए जाते हैं। ये जो सेट है, ये सेट बना था 60 करोड़ का, बाहुबली का सेट 60 करोड़ का बना था। अब आप जानते हैं कि बाहुबली का सेट कितना आलीशान था, कितना शानदार था। और जहाँ पर ये बना था तो इसको बनाया था साबू सायरेल ने। साबू सायरेल एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं जिन्हें अवार्ड, बेस्ट अवार्ड भी मिला था इसके प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के लिए। और इन्होंने तकरीबन 1500 स्केचेस बनाए थे इस सेट को बनाने के लिए। आप सोच सकते हैं 1500 स्केचेस, हम लोगों से एक स्केच बन जाए 4 दिन के अंदर वही बड़ी बात है, और इन्होंने 1500 स्केचेस बनाए थे इस एक सेट को बनाने में। तो ऑब्वियसली बेस्ट अवार्ड तो मिलना ही था प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के लिए। तो जहाँ पर दोस्तों बाहुबली इतनी बड़ी ग्रैंड फिल्म बनी थी जो 1500 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, दोनों फिल्मों का जो ओवरऑल कमाई था वो 3000 करोड़ से तकरीबन 3000 करोड़ का था, और वहीं पर दंगल की इकलौती फिल्म की जो कमाई थी वो 2100 करोड़ की थी। अब आप देखिए कि सलमान खान की ये फिल्म भारत इन फिल्मों से भी बड़ी क्यों साबित हो सकती है, क्यों भारत 3000 करोड़ की कमाई कर सकती है। एक तो सलमान खान, अली अब्बास, जफर, और साथ ही में सलमान खान का वो अंदाज, फिर कैटरीना कैफ, जब अली अब्बास, जफर हो, सलमान खान हो, सलमान खान की जोड़ी कैटरीना कैफ के साथ हो, फिर दिशा पाटनी हो, जैकी श्रॉफ हो, और सुनील ग्रोवर की वो कॉमेडी टच हो, तो फिल्म तो शानदार होगी। और दोस्तों फिल्म का नाम क्या है, फिल्म का नाम भारत है। फिल्म का नाम जहाँ पर भारत है तो भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। फिल्म के अंदर भारत का इतिहास दिखाया जाएगा, भारत की जर्नी दिखाई जाएगी, जिससे लोग बहुत कनेक्ट होंगे, और सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग कनेक्ट होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म ओवरऑल इंटरनेशनली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 3000 करोड़ से ऊपर का भी कर सकती है, और हमें अपने सल्लू भाई से पूरी उम्मीद है कि वो ये कर दिखाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।